दोस्तों, हम लोग अक्सर यह सुनते आए हैं कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो फिर दुनिया से हम इंसानों का अस्तित्व भी पूरी तरह से मिट जाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि अगर मधुमक्खियां दुनिया से विलुप्त हो जाएं तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में हम इंसान सिर्फ 4 साल तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक छोटे से कीड़े को आखिर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, और मधुमक्खियां ऐसा क्या करती हैं कि उनके बिना ह्यूमन लाइफ इम्पॉसिबल है। अब अगर यह सब बातें आपको नहीं पता तो फिर इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मधुमक्खियों के हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस के ही बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, मधुमक्खियों को हम इंसानों और हमारे प्लैनेट यानी कि पृथ्वी के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जानना होगा, जिसे कि हिंदी भाषा में हम पर परागण भी कहते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हम इंसानों की तरह चल फिर कर एक दूसरे के पास में नहीं जा सकते, इसीलिए इनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मधुमक्खियां एक बेहद ही अहम किरदार निभाती हैं। दरअसल मधुमक्खियां जब इन पेड़ पौधों के फूलों और पत्तियों पर बैठती हैं, तो फिर उस पौधे के मेल पार्ट पर मौजूद पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण उस मधुमक्खी के शरीर पर चिपक जाते हैं, और फिर जब ये मधुमक्खियां उड़कर उस पौधे के फीमेल पार्ट पर जाती हैं, तो फिर उनके शरीर पर चिपके मेल पार्ट के वो पॉलन ग्रेन फीमेल ऑर्गन यानी कि ओवरीज से मिल जाते हैं, जिससे कि उस पौधे में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को ही क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाली 70% से भी ज्यादा फसलें हमें क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस की वजह से ही प्राप्त होती है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि हमारे खाने का 70% से भी ज्यादा हिस्सा इन मधुमक्खियों पर ही डिपेंड करता है। यानी कि मधुमक्खियां अगर दुनिया से विलुप्त हो जाएं, तो आज दुनिया भर में हम जितने भी फसलें देखते और खाते हैं, उनका सिर्फ 30% हिस्सा ही दुनिया में बाकी रह जाएगा। और दोस्तों, यह आंकड़ा वाकई में बेहद चिंता वाला है। लेकिन चलिए, अब हम आपको थोड़ा विस्तार में बताते हैं कि मधुमक्खियों के विलुप्त होने का हम इंसानों व पृथ्वी पर किस किस तरह से क्या क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जियों की, क्योंकि सब्जियां दुनिया भर में हम इंसानों का सबसे मुख्य आहार मानी जाती है। और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया में खाई जाने वाली कई सब्जियां जैसे खीरा, गाजर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज और बैंगन जैसी न जाने कितनी ही महत्वपूर्ण सब्जियां हमें मधुमक्खियों के पॉलिनेशन करने से ही प्राप्त होता है। ऐसे में अगर मधुमक्खियां विलुप्त हो गईं, तो फिर दुनिया से ये सारी सब्जियां भी उनके साथ में ही विलुप्त हो जाएंगी। और सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण फल भी, जैसे सेब, कीवी, तरबूजा, खरबूजा और यहाँ तक कि फलों का राजा आम भी हमें मधुमक्खियों के पॉलिनेशन से ही प्राप्त होता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मधुमक्खियां अपने एक्सटेंशन के साथ ही इन सभी फलों को भी हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएंगी। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि हम इंसानों की लाइफ से अगर इतने सारे फल व सब्जियां खत्म हो जाएं, तो फिर इसका हमारी जिंदगी पर कितना ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। खैर, ये तो हुई फलों और सब्जियों की बात, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताते हैं जो कि हमें मधुमक्खियों की वजह से ही प्राप्त होती है, और उस चीज का नाम है कॉफी। अब आप सोचेंगे कि भला कॉफी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गई, क्योंकि हम इंसान तो इसके बिना भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कॉफी एक ऐसी चीज है जिसके एक्सटिंक्ट होने से दुनिया के लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दरअसल कॉफी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, जिसके चलते इसकी खपत बहुत ही ज्यादा है, और यही वजह है कि कॉफी आज के समय में $100 बिलियन से भी ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है, और दुनिया भर में लाखों लोगों की रोजी रोटी भी इसी पर ही डिपेंड करती है। ऐसे में अगर मधुमक्खियों के एक्सटेंशन की वजह से कॉफी भी दुनिया से विलुप्त हो गई, तो फिर इसका उन लाखों लोगों की जिंदगी पर भी बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। वैसे कॉफी के अलावा भी दुनिया में खाए जाने वाले कई तरह के ड्राई फ्रूट्स व नट्स जैसे काजू और बादाम भी हम लोगों को मधुमक्खियों के पॉलिनेशन से ही प्राप्त होते हैं, और जो कि हम इंसानों को कई तरह के महत्वपूर्ण न्यूट्रिशंस जैसे फाइबर, प्रोटीन और विटामिन आदि ड्राई फ्रूट से ही प्राप्त होते हैं। ऐसे में अगर उन मधुमक्खियों के विलुप्त होने से ये सभी ड्राई फ्रूट्स भी दुनिया से एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गए, तो फिर यकीनन इसका भी हमारी जिंदगी पर काफी गहरा असर पड़ेगा। खैर, ये तो हुई मधुमक्खियों के विलुप्त होने से खाने पीने की चीजों पर पड़ने वाले इफेक्ट की बात। हालांकि अब हम आपको बताते हैं, मधुमक्खियां अगर विलुप्त हो गईं, तो फिर क्लॉथिंग इंडस्ट्री व हम इंसानों के पहनावे पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल आज के समय में कॉटन एक ऐसा कपड़ा है जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहना जाता है। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया की कुल आबादी में 60% महिलाएं व 75% पुरुष कॉटन के ही कपड़े पहनते हैं,
और जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि कॉटन का यह कपड़ा भी हम लोगों को मधुमक्खियों की वजह से ही प्राप्त होता है, क्योंकि कॉटन का वो पौधा जिससे ये कपड़े बनाए जाते हैं उस पर कॉटन के रेशे भी मधुमक्खियों के पॉलिनेट करने पर ही उगते हैं। यानी मधुमक्खियां अगर विलुप्त हो गईं तो फिर दुनिया में इंसान कभी भी कॉटन के कपड़े नहीं पहन सकेगा। वैसे मधुमक्खियों के एक्सीडेंट होने का असर सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद और दूसरी प्रजातियों पर भी पड़ेगा। दरअसल इतनी सारी खाने पीने की चीजें व फसलें जब दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी तो इसका उन जानवर व पशु पंछियों पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा जो कि अपना पेट भरने के लिए इन्हीं फलों व सब्जियों पर डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मधुमक्खियों के साथ ही दुनिया में रहने वाले पशु पंछियों की बहुत सारी प्रजातियां भी दुनिया से हमेशा के लिए ही विलुप्त हो जाएंगी। और दोस्तों वहीं अगर मानव जात की बात करें तो फिर हमारे पास खाने के लिए 70% से भी ज्यादा फसलें नहीं होंगी, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स व नट्स नहीं होंगे और तो और पहनने के लिए कॉटन के कपड़े भी नहीं होंगे। और दोस्तों इन सभी चीजों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मधुमक्खियों के बिना इंसानों का पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों इस बात का सीधा सीधा मतलब यह निकल कर आता है कि अगर हम इंसानों को पृथ्वी पर अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना है तो इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर मधुमक्खियों को विलुप्त होने से बचाना ही होगा। लेकिन दोस्तों यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई सारे देशों के अंदर मधुमक्खियों की संख्या काफी तेजी से कम हुई है। उदाहरण के लिए अमेरिका के अंदर 2019 से 2020 के बीच मधुमक्खियों की पॉपुलेशन 43% से भी ज्यादा कम हुई है और यही वजह है कि कई सारे देशों के अंदर आज मधुमक्खियों पर पूरी तरह से विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वेल, वीडियो में हम आगे जानेंगे कि मधुमक्खियों की पॉपुलेशन कम होने के पीछे की वजह क्या है और इन्हें बचाने के लिए हमें करना क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुकू FM से ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस नाम का ई-बुक रिकमेंड करना चाहता हूं, जहां पर आप स्टीफन हॉकिंग के द्वारा बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हैं। और हाँ, अगर आप कुकू FM को ही नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि यह भारत की बेस्ट ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। 4.5 प्लस रेटिंग्स के साथ आने वाली इस ऐप का उद्देश्य ऑडियो लर्निंग के तहत आपके ज्ञान को बढ़ाना है। तो फिर अपने रीजनल लैंग्वेजेस में सुनिए हजारों ईबुक, वो भी एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट के साथ में। और हाँ, ध्यान रहे यह ऑफर LH50 कूपन का यूज करने वाले सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिलने वाला है। तो फिर जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल चलिए हम यह जानते हैं कि मधुमक्खियों की पॉपुलेशन कम होने के पीछे की वजह क्या है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो मधुमक्खियों की पॉपुलेशन कम होने के 3 मुख्य कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला कारण है पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशकों का इस्तेमाल। दरअसल हम लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए उस पर अलग अलग कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं और इन कीटनाशकों के अंदर नियोनिकोटिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि मधुमक्खियों के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होता है। दरअसल जब मधुमक्खियां इस पदार्थ के संपर्क में आती हैं तो इसका उनके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वो अपने घर का ही रास्ता भूल जाती हैं और इसी के चलते उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम लोग अपनी फसलों पर इन कीटनाशकों की जगह ऑर्गेनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने लगें तो इससे मधुमक्खियों की घटती हुई पॉपुलेशन को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा मधुमक्खियों की पॉपुलेशन घटने का दूसरा अहम रीजन वेरोवा माइट नाम के इस पैरासाइट को माना जाता है, जिसे कि देसी भाषा में हम लोग घुन भी कहते हैं। ये पैरासाइट सिर्फ मधुमक्खियों की कॉलोनी में ही प्रजनन करते हैं, जहां पर ये मधुमक्खियों के शरीर पर चिपक कर तब तक उनका खून चूसते रहते हैं जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। और दोस्तों ये घुन इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार तो यह मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को ही नष्ट कर डालते हैं। वैसे आज के समय में दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जिन्हें यदि इस्तेमाल में लाया जाए तो फिर मधुमक्खियों को इन पैरासाइट से बचाया जा सकता है। इसके अलावा मधुमक्खियों की आबादी घटने का तीसरा और आखिरी रीजन इसके प्रति लोगों में जागरूकता का ना होना माना जाता है। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि मधुमक्खियां हम इंसानों को सिर्फ शहद प्रदान करती हैं और इसके अलावा हमारी लाइफ में उनका और कोई महत्व नहीं है। अब लोगों को मधुमक्खियों का असल महत्व तभी पता चल सकेगा जब हम सभी लोग मिलकर इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे। और दोस्तों इस चीज के लिए इस वीडियो और इसमें मिली इन्फॉर्मेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, साथ ही ऐसा कोई काम न करें जिससे कि मधुमक्खियों को कोई नुकसान पहुंचे। और अगर मधुमक्खियां आपके घर या फिर घर के आसपास अपना छत्ता बना ले तो फिर उनको इस तरह से हटाएं कि मधुमक्खियों को कोई नुकसान न हो।
अब अगर हम सभी मिलकर यह कोशिश करेंगे तो यकीनन हम मधुमक्खियों को बचाने में जरूर कामयाब होंगे। बाकी दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।